इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध के शिकार हुए इसराइली अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। एक महिला ने बताया कि शनिवार से उसके पिता, बहन, दादी और चचेरा भाई लापता हैं। जब हमास आतंकवादियों ने उनके किबुत्स पर हमला किया, वो निराशा में थी। इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्हें अपना 12 साल का भाई दिखाई दिया, उसे बंदूकधारी ले जा रहे थे। महिला सरकार से मांग कर रही है अपने परिवार की सुरक्षित वापसी की। महिला ने कहा, हमें बस हमारा परिवार वापस चाहिए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास घर है या नहीं, हमारा सब कुछ जल गया, मुझे बस अपना परिवार वापस चाहिए। उन्होंने बताया कि शनिवार की सुबह तेल अवीव में सायरन की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई, जब इस्लामी हमास के बंदूकधारी ने गाजा में घुसपैठ की। इसराइल के इतिहास में ये सबसे घातक हमलों में से था। उन्होंने शहरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी दौरान एक दोस्त ने आकर बताया कि हमास किबुत्स में प्रवेश कर चुका है। उसने अपने परिवार को फोन करके उनकी सलामती के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वे ठीक नहीं है और वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है। एक मैसेजिंग ऐप ग्रुप में उसकी बहन ने लिखा, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। महिला ने बताया, मुझे पता था कि ये शायद इसलिए था क्योंकि वो जानती थी कि ये अंत है। महिला ने बताया कि उन्होंने अपनी 16 वर्षीय बहन की पूरी जिंदगी सुरक्षा की है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया उसमें वो अपने छोटे भाई एरेस को बंदूकधारियों द्वारा ले जाते हुए देख सकती हैं। वो उसे चुटकी काटते हैं और वो मासूम घबरा जाता है। उन्होंने कहा, ये देखना बहुत कठिन था, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मेरी आंखों में अब आंसू भी नहीं है, मैं रो भी नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत रो चुकी हूँ। महिला ने बताया कि उसके भाई ने अपना पजामा पहन रखा था। वो आधी रात को उठा और कोई आया और उसे लेके चला गया। उसके भाई और बहन अपने पिता के साथ एक घर में थे, जबकि उसकी दादी और चचेरी बहन एक अलग घर में रहती थी। उसकी माँ और बड़ा भाई दूसरे घर में थे, इसलिए वो बच गए। महिला बताती है कि जब उसने अपनी माँ को फोन किया तो उन्हें कभी इस तरह नहीं सुना। वो चिल्ला रही थी, वो कह रही थी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। वीडियो में अरेस के शरीर पर खून नहीं दिखा। उन्हें उम्मीद है कि वो जीवित है और परिवार के सभी लोग एक साथ हैं। वीडियो में एक आवाज अरबी में कहती है, वे युवा निवासी हैं, उन्हें यहाँ रखो, उन्हें चोट मत पहुँचाओ, इन जैसे लोगों के साथ बुद्धिमान रहो, ये एक बच्चा है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों की संख्या लगभग 900 के पार पहुंच गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायल के जवाबी हमले में कम से कम 380 लोग मारे गए हैं और 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।